हाँ बीमा, प्यास लगने पर तुम आकर इनसे कहना, ये तुम्हें पानी पिला देंगे। मैंने भी इनके चापाकल को कभी नहीं छुआ है, और तुम भी कोशिश मत करना इसको छूने की, ये तुम्हें पानी पिला देंगे। सालों पहले मुझे भी ऐसे ही पानी पिलाया जाता था, और आज सालों बाद तुम्हें भी ऐसे ही पानी पिलाया जा रहा है। तुम सोच रही होगी ना कि संविधान बनने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है भीमा, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम हैं। जो बात तुमने कक्षा में कही थी याद है ना, कि तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमरे बिरादरी के यहाँ हम अकेले हैं और आप सब हम पर हावी हो रहे हैं। लेकिन जौन दिन हमरे बिरादरी के और भी कुछ लोग यहाँ होंगे, उस दिन आप लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। हमारी दिक्कत तब खत्म होगी जब हमारे लोग हर जगह होंगे, लेकिन ऐसा होने के लिए भीमा, उन सब के लिए तुम्हें ही रास्ता बनाना होगा। बाबा साहब, हम बनाएंगे रास्ता हमारे लोगों के लिए। पानी पिला दीजिए। पहले पीछे हट के खड़ी हो जा, फिर ही पानी पिलाएंगे।